नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस किंग इलेवन पंजाब, जो कि मैच नंबर 18 है आईपीएल 2020 का। इसका हम प्रीव्यू करेंगे और हमारे 6 सेगमेंट्स हैं इस प्रीव्यू में। एक सेगमेंट मैंने इस वीडियो के लिए हटा दिया जो कि स्टेट्स एनालिसिस है, क्योंकि स्टेट्स एनालिसिस इतने ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगे। तो आपको बता दें कौन कौन से हमारे सेगमेंट रहेंगे: मैच इन्फो, हेड टू हेड, प्लेइंग 11, फैंटेसी 11, प्लेयर्स बैटल और मैच प्रेडिक्शन। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच इन्फो। तो मैच इन्फो आपको बता दूँ, किंग इलेवन पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का ये मुकाबला है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 7:30 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। और वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की बात करते हैं दुबई में तो 177 एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है। और अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज हेड टू हेड बैटल। तो पिछले सिंस 2018 यानी कि पिछले 2018 से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 मुकाबले हुए चेन्नई सुपर किंग वर्सेस किंग इलेवन पंजाब, जहाँ पे 2-2 का रेशियो रहा, यानी कि 2 चेन्नई सुपर किंग ने जीते हैं और 2 किंग इलेवन पंजाब ने मैच जीते हैं। यानी 50-50 बैटल है यहाँ पे, और देखना रहेगा कि कौन इस कॉन्टेस्ट को आज जीतता है। अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेइंग 11। तो पहले टीम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो किंग इलेवन पंजाब की टीम न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे जेम्स नीसम की जगह आज हमें एक डेथ स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन आज हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर न्यूज़ आ रही है, या और ऊपर से भी एक आधा चेंज हो सकता है, जहाँ पे करुण नायर की जगह हमें हो सकता है, या तो फिर मनदीप सिंह देखने को मिल सकते हैं। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वो अपने शायद सेम प्लेइंग 11 की तरफ से जाएंगे, कोई भी चेंज करना नहीं चाहेंगे। अब चलते हैं प्लेइंग 11 की। तो पहले बात करते हैं किंग इलेवन पंजाब के प्लेइंग 11 की। तो किंग इलेवन पंजाब के प्लेइंग 11 में ओपन करते दिखेंगे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, फिर निकोलस पूरन, देन ग्लेन मैक्सवेल, करुण नायर, सरफराज खान, क्रिस जॉर्डन, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, सेल्डन कॉटरेल, मोहम्मद शमी। अब चलते हैं चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की ओर। तो चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में फाफ डुप्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार यादव, रविंद्र जडेजा, सैम करन, डोएन ब्रावो, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला। अब चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, दैट इज फैंटेसी 11। तो फैंटेसी 11 में अपनी पहले फैंटेसी 11 बता रहा हूँ, फिर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल दूंगा। और अगर आपको हमारे जो टॉप पिक्स चाहिए या डिफेंसिव पिक्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो पहले फैंटेसी 11 बता दूंगा आपको, निकोलस पूरन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, सैम करन, डोएन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, पीयूष चावला। और आप चलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल, जो कि फैंटेसी 11 में आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल आपके लिए रहेंगे, और अंबाती रायडू, सैम करन, रविंद्र जडेजा, इन 5 बंदों में से आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये 5 आज परफॉर्म करने वाले हैं मेरे हिसाब से। अब चलते हैं अपने 5वें सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेयर बैटल। तो प्लेयर बैटल रहेगी हमारी मोहम्मद शमी वर्सेज एमएस धोनी। एमएस धोनी का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के सामने काफ़ी तगड़ा है। वहाँ पे 34 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों पर, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं मोहम्मद शमी के खिलाफ एमएस धोनी ने, और एक भी बार विकेट नहीं ले पाए मोहम्मद शमी एमएस धोनी का। अब चलते हैं अपने 6ठे सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच प्रेडिक्शन। तो मैच प्रेडिक्शन है चेन्नई सुपर किंग टू विन दिस मैच। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।